तो आज की वीडियो में जो मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बहुत यूनिक है एंड एट द सेम टाइम यूजफुल भी होना है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज आज है ये DJI पॉकेट 3 वर्सेस iPhone 15 Pro Max का वीडियो कंपैरिजन। डे टाइम में लो लाइट में फ्रंट बैक कैम सारा ट्राई करेंगे और देखेंगे कि अगर आप एक वीडियो कैमरा या ब्लॉगिंग के लिए कैमरा ले रहे हो तो क्या अभी भी आपको आईफोन लेना चाहिए या ये जो नया DJI पॉकेट 3 है इसको कंसिडर करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। और ये फ्रंट कैमरा का साइड बाई साइड कंपेरिजन है। तो अभी मैं दोनों लाइक DJI में तो ऑब्वियसली एक ही कैमरा है, आईफोन में मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली जब आप ब्लॉग शूट करते हो आपको देखना होता है कि क्या फ्रेम आ रहा है। तो आई थिंक ये एक बेटर आइडिया दे देगा साइड बाई साइड कंपेरिजन का। अभी थोड़ा सा हीजी है, दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है तो उस वजह से एक प्रॉपर सनराइज तो नहीं दिख रही, बट स्टिल आई थिंक ये एक थोड़ा डायनामिक रेंज का आइडिया दे देगा कि पीछे सनसेट हो रहा है मेरे अगर आप देखोगे तो ये फ्रंट कैमरा में कैसा डिफरेंस आ रहा है, कैसे कैप्चर कर रहा है और ऑब्वियसली कितने पास फोकस कर सकता है। आई थिंक दोनों में ही फोकस डिस्टेंस अच्छा है। ब्लर इफेक्ट भी आईफोन में थोड़ा है, बट ये कि DJI में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन, तो वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है। अब एक बार मैं आईफोन में पीछे वाले कैमरा में स्विच करके देखता हूँ कि कितना फ़र्क आता है। तो अभी मैंने आईफोन में रियर कैमरा में स्विच कर लिया पीछे की तरफ। अब मेरे को स्क्रीन में नहीं दिख रहा बट स्टिल एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग करते हो 4K में, 4K 60fps में अभी मैं कर रहा हूँ, तो कैसे क्या डिफरेंस रहेगा क्वालिटी में अगर आप इसका प्राइमरी कैमरा यूज़ करते हो वर्सेस DJI पॉकेट 3 जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और साइड बाई साइड कंपेरिजन। और जैसे आपको पता है इसमें वर्टिकल भी है, आईफोन में तो है ही, DJI पॉकेट 3 में भी है, तो ये एक साइड बाई साइड कंपेरिजन में वर्टिकल का भी कर रहा हूँ। मेन डिफरेंस मुझे लग रहा है स्किन टोन का आने वाला है। आई थिंक वहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा ही देखने को लगेगा कि स्किन कौन ज़्यादा नेचुरल कैप्चर कर पा रहा है एंड ऑब्वियसली डायनामिक रेंज पीछे सनसेट हो रहा है मेरे, तो कलर्स कौन बेटर निकाल पा रहा है। एंड वर्टिकल में जैसे मैंने बताया था पॉकेट 3 में 3K है, आईफोन में ऑब्वियसली 4K है, तो वो एक रेजोल्यूशन का डिफरेंस आ जाता है। अब एक बेनिफिट जो आपको DJI पॉकेट 3 में मिल सकता है ओवर आईफोन अगर आप कॉम्बो लेते हो, तो अभी मैंने 15mm वाला वाइड एंगल लेंस लगा लिया जिस वजह से आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू में, और ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। ऑब्वियसली आईफोन में एक बार मैं रियर कैमरा में वाइड में स्विच करके भी आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो अब जो साइड बाई साइड कंपेरिजन है ये एक्चुअली आपको आईफोन का भी अल्ट्रा वाइड दिख रहा है, पॉकेट 3 का भी 15mm वाला एंगल ऑफ व्यू दिखा रहा है बिकॉज मैंने वाइड एंगल लगा रखा है। अगेन वाइड एंगल में कैसे कलर्स आ रहे हैं दोनों के साइड बाई साइड। तो अगर मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके से तो स्टेबलाइजेशन का भी एक कंपेरिजन हो जाएगा। आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेबलाइजेशन देने चाहिए इस टाइम पे, बट जस्ट दैट अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल में इस तरीके से वर्टिकल वीडियोज बनाने वाले हैं रील्स, तो ये कंपेरिजन हमें सही आइडिया देगा कौन ज़्यादा बेटर है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो रिसेंटली ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते पहले हमारी एक SSD थी जिसमें 1 TB का पूरा डेटा था, जिसमें एक्शन कैमराज का, ड्रोन का, एंड इवन कैमरा से जो हमने हीरो शूट किए थे उसका डेटा था। तो अनफॉर्चुनेटली वो SSD क्रैश हो गई, डेटा एक्सेसिबल नहीं था। उस टाइम पर मैंने जाके वन डेयर रिकवरी परचेज करा एनुअल प्लान, और फिर जाके जो मेरा पूरा डेटा था वो मैं रिकवर करके उसको यूज कर पाया। तो इसलिए आज मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट वन डेयर रिकवरी 12 जो कि एक फ्री टू ट्राई डेटा रिकवरी टूल है। और सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी इस टूल के बारे में जब मैं डेटा रिकवर कर रहा था कि आप रियल टाइम में ना प्रीव्यू कर सकते हो अपना डेटा। मान लेते हैं आपका एक मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया या फाइल्स डिलीट हो गई, आप जैसे ही सॉफ्टवेयर में जाओगे आप स्कैन करोगे आपको सारी फाइल्स लिस्ट में दिखा देगा कि कौन कौन सा डेटा, कौन सी फाइल, कौन सी वीडियो फोटो रिकवर हो सकती है, और अगर आपको लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो रिकवर हो रहा है फिर आप फाइनली पे करके इसको यूज कर सकते हो और अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और फोटोग्राफर मेरे पास काफी हैवी डेटा रहता है, आई एम श्योर आप भी अगर वीडियो बनाते हो 4K या 8K वीडियो भी कई सिचुएशन में रहती है। तो बढ़िया चीज क्या है कि वंडरशेयर रिकवरी 12 एक्चुअली एनहांस्ड फोटो एंड वीडियो रिकवरी टूल है जहां पे आप अल्ट्रा HD 4K इवन 8K वीडियोस और फोटोज को सेव रख सकते हो, रिकवर कर सकते हो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स में, मल्टीपल कैमरा ब्रांड से, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस से। तो अगर आपको ये डाउट है कि ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट हो गए, कैमरा का डेटा सपोर्ट हो गया, नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेता है। तो अब आप इस फ्री टू ट्राई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो एंड आई एम श्योर ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है। तो जैसे अभी आपने कुछ सैंपल्स देखे तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं जो मैंने नोटिस किए। सबसे पहला है डेप्थ ऑफ फील्ड या जिसको हम ब्लर इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो जब तक आप आईफोन का फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हो, जब आप
आप डिस्प्ले में देखना चाहते हो वर्सेस पॉकेट 3, तो ऑब्वियसली पॉकेट 3 में काफ़ी ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है अगर आप फ्रंट कैमरा से कंपेयर करते हो। बट जैसे मैंने आईफोन के रियर कैमरा में स्विच किया, मुझे ब्लर इफेक्ट भी दिखना शुरू हुआ। पॉकेट 3 का कंपेरेटिवली ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है बिकॉज इसके अंदर बिगर सेंसर है, तो आपको पॉकेट 3 से जो ब्लर इफेक्ट बैकग्राउंड में देखने को मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपका मेन प्रायोरिटी है जब आप वीडियो बना रहे हो, आपका फेस ज़्यादा फोकस में हो या जिस भी प्रोडक्ट या वीडियो ले रहे हो और बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर हो, देन यू शुड कंसिडर पॉकेट 3। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें फोकस में चाहिए देन आपको आईफोन के साथ जाना चाहिए। अब जो अगला डिफरेंस है वो भी एक क्रूशियल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है, वो है एंगल ऑफ व्यू या लेंसेज की ऑप्शन। तो अगर मैं आईफोन की बात करूँ, आपको डिपेंडिंग आप आईफोन प्रो मैक्स ले रहे हो, प्रो या आईफोन नॉर्मल, आपको 2 से 3 कैमराज मिलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कैमरा तो है जो 24mm पे होता है, वही अगर मैं पॉकेट 3 से यहाँ कंपेयर करता हूँ, पॉकेट 3 में आपको 20mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड कैमरा यूज़ करके वाइड एंगल ऑफ व्यू चाहिए, DJI पॉकेट 3 में आपको ज़्यादा वाइड एंगल मिलेगा। बट आईफोन में आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल का, जहाँ आप जाके 13mm में अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट कर सकते हो। बट पॉकेट 3 में भी आपको एक अलग से, अगर आप कॉम्बो लेते हो, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है जो 15mm का है। तो यहाँ कंपेरेटिवली अगर मैं देखूँ तो अल्ट्रा वाइड में अगर आपको ज़्यादा वीडियो शूट करना है, आईफोन आपको ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू देगा। आईफोन नहीं, कोई भी स्मार्टफोन अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू देगा एज़ कम्पेयर टू पॉकेट 3। तो अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ज़्यादा वाइड एंगल वीडियो शूट करनी है तो आपको आईफोन के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको एक स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू चाहिए जिसमें आप व्लॉगिंग ज़्यादा करते हो तो पॉकेट 3 बेटर ऑप्शन है। आईफोन में एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आप जब जूम करते हो, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा 1x से जब हमने 2x में जूम करा तो पॉकेट 3 मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना आईफोन का 2x का डिटेल बेटर था। अब आईफोन में अगर आप प्रो मैक्स यूज़ करते हो आप 5x तक भी जा सकते हो, उससे ऊपर भी 25x तक आप इजीली जा सकते हो। बट अगर आपका ये है कि आपको ज़्यादा जूम इन जूम आउट करना है देन आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। पॉकेट 3 इज़ मोर लाइक जब आप 20 या 15mm पे ज़्यादा शूट करना चाहते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, और यहाँ पे क्लियर विनर है DJI पॉकेट 3 बिकॉज यहाँ पे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है वर्सेस आईफोन में क्या होता है, इट्स मोर लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ज़्यादा काम होता है, OIS भी होता है बट वो मिक्सचर होता है। तो अगर आपको ज़्यादा स्टेबल वीडियो चाहिए फॉर श्योर जो विनर है वो DJI पॉकेट 3 है। बट अगर आप आईफोन में एक्शन मोड में जाते हो जो 2.8K तक शूट करता है देन ऑब्वियसली आईफोन का भी स्टेबलाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाता है, कहीं हद तक पॉकेट 3 से बेटर है। बट आपको क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ फीचर्स और ऐसे पॉइंट जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। बट अब अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो। पहला मेरा पर्सपेक्टिव है जब आप अपनी खुद की वीडियो शूट करते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो यहाँ पे देखो जो क्वालिटी में डिफरेंस आपको दिखेगा, फ्रंट कैमरा में आईफोन उतना बेटर नहीं है बट जैसे आप रियर कैमरा में स्विच करते हो ना, क्वालिटी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगी। शार्पनेस कहीं ना कहीं आईफोन में ज़्यादा है ये मैं बोल दूं, बट DJI में एक चीज़ मुझे बेटर क्या लगती है, पॉकेट 3 में आप सेटिंग्स में जाके प्रो मोड में जा सकते हो, अपने हिसाब से एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, शार्पनेस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो जो आईफोन में ऑप्शन आपको नहीं मिलती। तो अगर आप एक ऐसा कैमरा देख रहे हो जहां आपको प्रो मोड ही ऑप्शंस मिले, आप एक्सपोजर लॉक कर सको, अपने हिसाब से एक्सपोजर सेट कर सको, देन पॉकेट 3 इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट ओवरऑल जो क्वालिटी है वहां पे एक डिफरेंस जो मेरे को देखने को मिला वो है कलर्स का। आईफोन थोड़ा सा वार्म साइड पर जाता है, पॉकेट 3 थोड़ा मेजेंटा साइड पर जाता है। तो स्किन टोन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा जो आईफोन का मुझे हर बार लगता है, थोड़ा सा वार्म स्किन टोन कैप्चर करता है पॉकेट 3। मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में जो लाइटिंग है उस हिसाब से DJI पॉकेट 3 थोड़ा करेक्ट स्किन टोन कैप्चर कर रहा था यहाँ पे। और एक और डिफरेंस जो आपको वीडियोस में देखेगा वो है कॉन्ट्रास्ट का। आईफोन थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कैप्चर करता है, DJI पॉकेट 3 कॉन्ट्रास्ट बहुत नेचुरल साइड पर रखता है जिससे देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस टाइम पर वीडियो देख रहे थे ना, जैसे कलर्स थे, कॉन्ट्रास्ट थे, पॉकेट 3 वैसा कैप्चर करता है। आईफोन क्या करता है, कलर्स थोड़े से ज़्यादा सैचुरेट कर देता है और सनसेट हो रहा है तो उस टाइम पर स्काई थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज दिखता है और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पर जाता है। बट जहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो है लो लाइट परफॉर्मेंस, जिस वजह से अभी तक एक्शन कैमरास बहुत पीछे थे, स्मार्टफोन बेटर था। बट अगर आप यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, पॉकेट 3 इजीली आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। नॉइस कम है, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, कलर्स बहुत ज़्यादा बेटर कैप्चर हो रहे हैं। आईफोन में जब मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा था मुझे स्टिल आईफोन का परफॉर्मेंस लो लाइट में काफ़ी बेटर लगा, बट पॉकेट 3 से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे है। और
मेजर डिफरेंस कहाँ आता है जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच करते हो आईफोन 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज करने पे वर्सेस पॉकेट 3 में 15 mm के लेंस के साथ। पॉकेट 3 इज अ क्लियर विनर, आप देख सकते हो। नॉइज बहुत कंट्रोल्ड है, कहीं ऐसे आपको लगेगा ही नहीं। और ये एक्चुअली बहुत कम लाइट में शूट हुआ था, जहाँ पे पॉकेट 3 ने बहुत अच्छे से लो लाइट में कंट्रोल किया है, बिकॉज इसके अंदर आपको एक लो लाइट वीडियो मोड मिलता है जिसको यूज करके आप और ज्यादा बेटर लो लाइट में वीडियोज ले सकते हो। लास्टली फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली आप देख सकते हो आईफोन में बहुत ज्यादा नॉइस है। अब ये दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन है लो लाइट का, 4K 30 है दोनों में, तो एक आइडिया लग जाएगा कि एक, क्योंकि ये एकदम अंधेरा है, पीछे थोड़ी बहुत लाइटें चल रही हैं, मेरे यहाँ स्ट्रीट लैंप्स कोई भी नहीं चल रहे, तो मेरे ऊपर आज सच कोई भी लाइट नहीं है, तो नॉइस कंट्रोल किस में ज़्यादा बेटर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पीछे यहाँ पे कुछ लाइट्स भी जली हुई हैं सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट ये डायनामिक रेंज कैसे निकाल रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है अभी पीछे यहाँ पे कुछ जो शो आपने अभी वीडियो देखी वो चल रहा था, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पे पॉकेट 3 का एक बेनिफिट मिलता है बिकॉज इसके अंदर डिस्प्ले है, कैमरा आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, जिस वजह से आप मेन सेंसर को यूज करके ही फ्रंट एंगल से भी वीडियोस निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो आईफोन इज मोर लाइक अ फोन, स्मार्टफोन, राइट? तो वीडियो कैमरा अगर आप देख रहे हो पॉकेट 3 में, कुछ ऐसे फीचर्स मुझे बहुत बढ़िया लगे, जैसे कि ट्रैकिंग। तो आप एक कहीं भी जगह पे अपना कैमरा रख के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। ये कैमरा जो है इसका गिम्बल बेसिकली आपको ट्रैक करेगा, मेक श्योर करेगा कि आप हमेशा फ्रेम में रहो। उसके बाद यहाँ पे आपको फोकस मोड्स में मिलते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट मोड है जहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हो, कुछ भी आगे लेके आओगे प्रोडक्ट, इस तरीके से जो फोकस है वो आपके फेस उस प्रोडक्ट पे चले जाएगा। एंड ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स हेल्प करते हैं वीडियोज को और ज़्यादा बेटर, एंड ज़्यादा आपको सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ता। तो अगर आप एक सिंपल टू यूज स्मार्टफोन कैमरा देख रहे हो जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें फोकस में आए, कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हो, आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीरियस व्लॉगिंग करते हो, आपको एक पॉकेट कैमरा चाहिए जिसमें बैटरी अच्छी हो, चार्जिंग टाइम बहुत बढ़िया हो, फीचर्स हो लेटेस्ट, ब्लर इफेक्ट बढ़िया आता है, लो लाइट परफॉर्मेंसेज, किसी भी एक्शन कैमरा स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ऑल ओवर आई थिंक ये थी मेरी वीडियो। आपको क्या लगता है, आप दोनों में से क्या कंसिडर करने वाले हो या किसका आउटपुट बेटर लगा, कमेंट एंड लेट मी नो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।